ये ऊंचे टीले पर है, तब कोई स्थल पर आज भी इसे टीले में राख निकलती है, कोला निकलते हैं, आज भी ऐसा निकलता है, निकलता है ऐसा। इसमें भी मैंने कई बार देखे हैं कि जहाँ खुदाई होती है, नीम बनाई जाती है, तो वहाँ कोला निकलते हैं आज। महाराज जी, मंदिर ये कितना प्राचीन होगा? गुप्तकालीन का है मंदिर, गुप्तकालीन का है, गुप्तकालीन का। अगर आप आज भी इस पर्वत पे खुदाई करेंगे तो यहाँ पे नीचे से राख निकलती है, आज भी यहाँ से कोयले निकलते हैं, खुदाई में राख निकलती है। तो ये जो पर्वत है, सिद्ध पर्वत है यहाँ। और एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग दिखाऊँ, जो कि मेरी उस पर नज़र पड़ी है, मैं मंदिर के जो परिक्रमा है उसकी बैक साइड में हूँ। यहाँ पे देखो, जो एक टाइम पर यूज़ किए जाते थे, जो पुराने टाइम में यूज़ होता था, नगाड़े बजाए जाते थे, कितना विशाल ये है। मेरे एक हाथ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना विशाल ये है। संत पंचमी के दिन है ये नगाड़ा उतर के, इसमें पांच डंका लगने के बाद में प्रतिदिन हो बजता रहेगा। अब भी इस्तेमाल में है। हाँ। और ये कितना पुराना होगा महाराज जी? यह पुराना है करीबन। तो यहाँ की विशेषता है, आज भी जिसके संतान न हो वो आके सच्चे मन से। राधा कृष्ण है, राधा और कन्हैया जी है, ये संतान देने वाले वाले संतान देते हैं। मूर्ति है वो प्रकट है, यहाँ राधा लाई गई है, पर लेकिन कृष्ण यहाँ प्रकट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, और आप देख रहे हैं मोहित व्लॉग्स। आज मैं आपको जहाँ पे लेकर आया हूँ, ये दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। वो क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले आपको मेरे पीछे जो दिख रहा है ये है कुंड यहाँ का, और इस कुंड की क्या खास बात है, ये आप देख रहे हैं गोल घूम रहा है ये कुंड, और ये पूरा गोल घूम रहा है। इसके बीच में मौजूद है वो स्थान जहाँ पे हमें आपको आज दर्शन कराने हैं, कि ये जो मंदिर है कुंड के बीचों बीच मौजूद है, चारों तरफ पानी है कुंड का, और बीच में ऊंची अटारी पे ये मंदिर मौजूद है जहाँ पे हम आपको लेकर चल रहे हैं। लेकिन वो मंदिर काफ़ी ऊंची हाइट पे है, अटारी पे है। मैं इस टाइम पर, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं हूँ इस टाइम पर शांतनु बिहारी मंदिर में, और आप सामने देख रहे हैं वही वो मंदिर है जो कि शांतनु बिहारी जी का मंदिर है। और कुंड आप देखिए, कुंड है पूरा गोल घूम रहा है कुंड, और ऐसा आपने कहीं शायद ही देखा हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, मंदिर है सामने जो आप देख रहे हैं, जो कि ऊंची अटारी पर मंदिर मौजूद है, जिसके लिए हमें सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है वहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, मंदिर के लिए जा रहा है ये वाला मार्ग जो आप सामने देख रहे हैं, यानी कि आप देखेंगे इस तरफ से भी कुंड है पूरा, और नीचे जो मार्ग है इसके, ये पुल बना हुआ है एक तरीके से, कुंड के ऊपर ही पुल बनाया हुआ है, और चारों तरफ ये कुंड फैला हुआ है। और तकरीबन जो यहाँ के लोकल हैं उनसे हमें पता चला है कि ये 30-40 फुट गहरा कुंड है। हालांकि हम महाराज जी से पूछेंगे एक्चुअल कितना गहरा है ये कुंड। अभी चलेंगे हम आपको लेकर, जो कि यहाँ पे दर्शन होते हैं आपको शांतनु बिहारी जी के। मंदिर के लिए आपको बहुत ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके साथ में आपकी फैमिली में, अगर आपके साथ कोई दर्शन के लिए आ रहे हैं, कोई सीनियर है, कोई बुज़ुर्ग है, तो उनके लिए ये इजी नहीं है चढ़ना, ये मैं आपको पहले यहाँ पे बोलना चाहूँगा। हाँ, अगर आप यंग है तो आप आराम से ये सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे। हालांकि जो लोकल हैं, जो यहाँ के गाँव के, उनको तो आदत है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं एक भगत जी आ रहे हैं दर्शन करके, और ये उनका रोज़ का यहाँ पे दर्शन होगा, तो इसलिए वो आराम से यहाँ पे चले जाते हैं। राधे राधे भगत जी। तो यहाँ पे आप रोज़ दर्शन करते हैं तो परेशानी तो नहीं होती चढ़ने में? क्योंकि जो शहर से आते हैं उनको तो समस्या लगेगी। तो आपका तो रोज दर्शन होगा यहाँ पे, तो आनंद पूर्वक आप चढ़ जाते होंगे। तो ये मंदिर कितना प्राचीन है वैसे? बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। और बताया जाता है कि चारों तरफ कुंड है, बीच में मंदिर है। तो चारों पीछे भी है कुंड? पीछे चार तरफ है, बीच में बिहारी जी है, बीच में मंदिर है ये। तो ये ऊंची अटारी पर है बहुत। शांतनु राजा ने 60 वर्ष का ये है, जन्मभूमि शांतनु राजा की है, राधा कृष्ण है, राधा और ये कन्हैया जी है, ये है संतान देने वाले वाले संतान देते हैं। तो यहाँ पे आपकी मनोकामना पूरी होगी, यहाँ पे मनोकामना पूरी होगी। हाँ जी। और कुंड में स्नान का भी महत्व बताया जाता है। हाँ, कुंड में नहाना पड़ेगा पहले। कुंड में नहा के जब एक ठाकुर जी ने किया, आप करो, हाँ, ठाकुर जी से क्यों है
और फिर बाबा अगर बताएंगे तो उसके बाद यानी कि जो समस्या है वो दूर हो जाती है। हाँ, संतान की। हाँ जी, संतान की है। बिल्कुल। जैसे कि हमारे साथ यहाँ पे गांव के निवासी है, आपका शुभ नाम क्या है? मथलेश। मथलेश जी हमारे साथ में है। मैंने आपको बताया कि ये लोकल है यहाँ के, तो नित्य यानी कि रोज यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं, और इनके लिए बहुत इजी है ऊपर जाना आना। लेकिन हम शहर में जो रहते हैं, शहर वालों के लिए थोड़ा सा समस्या हो सकती है। जो सीनियर है, जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे घर में माता पिता हैं, तो उनके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है ऊपर चढ़ना। आप आइए, दर्शन कर सकते हैं। वैसे आनंदपूर्वक दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। मैं जो बाहर की तरफ देख रहा हूँ, जो कुंड के दर्शन कर रहा हूँ, अब लेके चलता हूँ आपको ऊपर और दर्शन कराता हूँ वहाँ पे कि किस तरीके से हमें वहाँ पे दर्शन होते हैं। चलिए चलते हैं। और हम अब पहुंच गए हैं मंदिर के शिखर पे बिल्कुल, जो कि सामने आप देख सकते हैं। बंदर काफ़ी हैं यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं, और आई थिंक बंदरों से ही बचाने के लिए यहाँ पे जूते चप्पल वगैरह भक्तों के लिए बनाया गया है, जिसके अंदर यहाँ पे आप सेफली रख सकते हैं। मैं हूँ इस टाइम पर मंदिर के बिल्कुल बाहर, और ये मंदिर जैसे कि मैंने बताया था ऊंची अटारी पे है। मंदिर सामने है गौशाला, यहाँ की किसी मंदिर की गौशाला है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मंदिर के लिए आपको ये वाला जो मार्ग दिख रहा है, ये मार्ग है जो कुंड के ऊपर से ही रास्ता आता है इसके लिए आने के लिए, और यहीं से हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए यहाँ पे। और चारों तरफ पूरा कुंड है बना हुआ, और बीच में ये मंदिर स्थित है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। यहाँ की कथा के बारे में जानना था। यहाँ की कथा के बारे में है कि राजा शांतनु थे, सत्ययुग में है, इस जगह पर घोर तप किया। समय की आयु का कोई पता नहीं उनके कितना तप किया है। कोई 60,000 बताता है, कोई कितना बताता है, यहाँ कोई उल्लेख नहीं है। घोर तप किया है। घोर तप करते करते विष्णु यहाँ उनके तप से प्रसन्न हुए और विष्णु प्रकट हुए और उनको वरदान दिया है कि जाओ, मैं तेरे सबसे अति प्रसन्न हूँ, मैं वरदान देता हूँ तेरी गंगा से शादी होगी और जगत में विख्यात तेरा पुत्र होगा जिसका नाम देवव्रत हुआ। आगे चल के उन्हीं का नाम भीष्म पितामह हुआ। तो यहाँ की विशेषता है, आज भी इस भूमि की और इस कुंड की और ठाकुर जी की इस की विशेषता है कि जिसके संतान न हो वो आके सच्चे मन से कुंड में स्नान करे, भीजे हुए कपड़े समेत स्नान करें और भीजे हुए वस्त्र को त्याग कर दूसरे कपड़े पहन के मंदिर आए और मंदिर के दर्शन करके यहाँ पूजा कराई जाती है। पूजा करा के उसकी गोद भरी जाए तो एक साल में सवा साल में उसकी गोद भर जाती है। आज भी महिमाए, आज भी दो पुत्रों का हाँ मन्नत प्राप्ति हुई है। जो गोसाई अहमदाबाद के गोसाई थे उनके है पुत्र की प्राप्ति आज ही की तारीख में हुई है। महाराज जी, ये जो जैसे कि अगर कोई मन्नत लेके आता है कि नहीं हो पाती है तो उसमें और कितना समय लगता है? समय की कोई आवश्यकता नहीं है, पुत्र जरूर देगा। अच्छा। संतान जरूर देगा, संतान जरूर देगा अगर सच्चा है, नियम के आधार से रहेगा तो संतान मिलेगी, और नेम ही बिगड़ जाएंगे तो संतान की गारंटी नहीं है। ये महिमा है आज। तो ऐसे कुंड का नाम शांतन कुंड है, ठाकुर जी का नाम शांतन बिहारी है, इस क्षेत्र का इस गांव का नाम सतोवा है। जो राजा शांतन को भगवान को भोग लगाया, शांतन ने काय कहा सत्तु का, उसी के सत्तु के आधार नाम से ठाकुर जी का नाम और
सतुआ गांव का नाम पड़ा। जो राजा थे शांतनु जी, जिन्होंने तप किया, उन्हें तप किया, तो उनके भी यहाँ पे दर्शन है। दर्शन विष्णु के दर्शन है, विष्णु जी के दर्शन है। शास्त्र के अंतर्गत तो विष्णु के दर्शन है। यहाँ कृष्ण प्रकट हुए हैं, ये जो मूर्ति है वो प्रकट है। यहाँ राधा लाई गई है, पर लेकिन कृष्ण यहाँ प्रकट है। और ये विग्रह कितना प्राचीन होगा? बहुत गुप्त कालीन का विग्रह है। शांतनु बिहारी नाम जैसे उन्होंने जो है दर्शन दिए आकर के ने, तो उनका जो है शांतनु बिहारी नाम पड़ गया है। शांतनु बिहारी नाम पड़ गया। और महाराज जी मंदिर ये कितना प्राचीन होगा? गुप्त कालीन का है मंदिर, गुप्त कालीन का है। और जैसे कि महाराज जी हम परिक्रमा में देख रहे हैं, तो परिक्रमा कुछ शिलाएं हमें देखने में, तो गुप्त कालीन का है वो, औरंगजेब के जमाने से भी पहला है। जो औरंगजेब ने आके यहाँ मूर्तियों को खंडित किया है उससे भी पहले का है, उससे भी पहले का है। और ये ऊंची अटारी पे है महाराज जी? हाँ, ये ऊंचे टीले पर है, तप स्थल पे। आज भी इसे टीले में राख निकलती है, कोला निकलते हैं जो तप करने के होते हैं। आज भी ऐसा निकलता है? आज भी निकलता है ऐसा। ये भूमि सब में आपकी ठाकुर जी की कृपा से ये बनाई है। इसमें भी मैंने कई बार देखे हैं कि जहाँ खुदाई होती है नीम बनाई जाती है, तो वहाँ कोला निकलते हैं। आज भी कोला निकलते हैं। हाँ, और बैठ भी जाती है, बैठ भी जाती है। और महाराज जी कुंड कितना गहरा होगा? ये कुंड हो करीबन नहीं तो 27-28 फुट का गहराई है कहीं कहीं। और ये पानी इसमें नीचे से स्रोत? नहीं, सूत्र नहीं है, ये भरा जाता है। पहले सूत्र था, अब नहीं है। अब जो सूत्र हो बहुत नीचे चले गए। तो ये कथा यहाँ मुझे करीबन नहीं तो 35-36 साल सेवा करते हो गए। 36 साल ये सब नूतन तुम्हारे याद का है। ठाकुर जी की कृपा से सब नूतन बना दिया। ठाकुर जी के मंदिर की 3 दीवार बाकी हैं, सभी नूतन है। सभी नूतन है, यानी कि सब आपके सामने ही? सब मेरे हाथ से बना हुआ है। आपके हाथ ही बना हुआ है। 200-225 गौ उनकी सेवा होती है। पास में गौशाला है, वो भी गुप्त का है, कमते काफ़ी समय की है, रजिस्टर है। जो दान आता है बिना रजिस्टर के तो देगा ही नहीं कोई, तो नखलव से जो सेवा होती है वो आज भी वो चल रही है। और यहाँ पे महाराज जी हम शालिग्राम जी के दर्शन कर रहे हैं। शालिग्राम वो अनेक शालिग्राम हैं, अनेक रूप के शालिग्राम हैं। नरसिंह है, विष्णु है, सूर्य है, और कच्छप है, एक उधर है कॉर्नर पे बिल्कुल जो शेषनाग है। ये शेष वो ही भगवान के चिन्ह दिख रहे हैं। ये सालग्राम हर मंदिर में नहीं है। नरसिंह संघ पंचदिति ही विचित्र संघ, कृष्ण के जमाने का, कृष्ण के ही हाथ का संघ ऐसा है। दिखा है कहूँ मंदिर में देखा होगा, ये दर्शन नहीं होते। और श्रृंगार महाराज जी नित्य होता है? नित्य होता है, नित्य श्रृंगार होता है। बहुत सुंदर श्रृंगार है महाराज जी। और आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम नरसिंह दास, महंत नरसिंह दास। आप यहीं पे सेवा में ही हैं? हाँ। बहुत आनंद आया महाराज जी आपसे कथा सुन के। राधे राधे महाराज। राधे राधे। जितने भी विग्रह हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी प्राचीन विग्रह हैं, देखने से ही प्रतीत हो रहा है। और ये देखो आप, गणेश जी मस्तक पे सवार, राजेश
जी शंख बता रहे थे, पंचमुखी शंख, वो उस कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये है परिक्रमा मार्ग, और परिक्रमा मार्ग में देखेंगे, वैसे बारिश आज यहाँ पे हो रही है और आनंदमय यू नो पूरा वेदर है। एक बार चलता हूँ मैं आपको लेके। और यहाँ पे मंदिर के बराबर में ही ये प्राचीन मूर्तियाँ लगी हुई हैं, शिलाएँ लगी हुई हैं, आप सामने देख सकते हैं। देखने से अभी नहीं पता चल रहा है कि कौन से भगवान की ये है, लेकिन ये देखने से अपना आप ही प्रतीत हो रहा है। देखो मंदिर का जो यू नो हाइट है वो अब और इंक्रीज़ कर दी गई है, लेकिन जो प्राचीन होगा वो ये गर्भगृह का यू नो वो गुंबद होगा जो कि आप सामने देख रहे हैं। बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है जहाँ पे आज मैं आया हूँ आप सभी को दर्शन कराने के लिए। देखो शेर की आकृति बनी हुई है, पास से दिखाना चाहूँगा, ये शेर की आकृति बनी हुई है और ये मुख है, और यहाँ पे किसी का कोई हाथ या कुछ निशान ऐसा है जो कंप्लीट ऐसा नहीं पता चल रहा है, ऐसा ही सेम यहाँ पे है। देखो आकृति, ये पूरी शेर की आकृति है और यहाँ पे मुख है। अब ये पता नहीं है कि किस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है, लेकिन ये जो शिला है ये प्राचीन शिला है। और अब मैं आपको बैक साइड लेके चलता हूँ, ये है मंदिर की बैक साइड। ये देखो, ऐसा कहीं आपने देखा है, मुझे अगर आपने कहीं देखा है तो मुझे ज़रूर बताना। ऐसा हमने देखा था, हमने आपको दर्शन कराए थे, भगवान ने जब गिरिराज पर्वत उठाया था तो जो उनकी पीठ थी वो थी पैठा गाँव में, जिसका जो गुंबद था वो 24 फीट मोटा था। उसी प्रकार ये भी वही आकृति है। आप देखो कहीं पर आपने ऐसा देखा है कि जो इस तरीके से यू नो मंदिर की जो बैक साइड की परिक्रमा का पार्ट है वो इस तरीके से हो, लेकिन ये देखने से लगता है कि मंदिर की जो हाइट है वो अब और इंक्रीज़ की गई है, जिससे अब ये वाला जो पार्ट है ये नीचे हो गया है, लेकिन अपने आप में ही बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। और ये जो शिलाएँ हैं, ये देखो आप अंदर की जो शिलाएँ हैं, ये सारी ये प्राचीन शिलाएँ हैं। इनके बारे में अभी हम कोशिश करेंगे इसके बारे में जानने की और आप सभी को बताने की, क्योंकि ये देख अपने आप में ये बताता है कि कितने प्राचीन ये शिलाएं हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग दिखाऊं जो कि मेरी उस पर नज़र पड़ी है, मैं मंदिर के जो परिक्रमा है उसकी बैक साइड में हूँ। यहाँ पे देखो, जो एक टाइम पर यूज़ किए जाते थे नगाड़े जिसको कहा जाता है, वो देखो आप। होप कि अब भी ये यूज़ में होता हो, लेकिन आपने कभी मंदिर में यू नो, और ये इतना विशाल है कि मैं आपको अपने सामने दिखाने की कोशिश करूं, मेरे एक हाथ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना विशाल ये है। और इसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी जो पुराने टाइम में यूज़ होता था यू नो नगाड़े बजाए जाते थे, और उस टाइप का ये मुझे फील हो रहा है ये वही है। और इसके लिए भी पूछेंगे अभी महाराज जी से, ये पुराना गुंबद था मंदिर का। महाराज जी, नगाड़े के बारे में पूछ रहा था। नगाड़े के बारे में, बसंत पंचमी के दिन है ये नगाड़ा उतर के इसकी सजावट करके, बसंत पंचमी के दिन इसमें 5 डंका लगने के बाद में प्रतिदिन रसिया गवेगा और इसको उत्सव मनाया जाएगा। होली के उत्सव कहाँ 1.5 महीना तक कहाँ नेम है, 1.5 महीना तक ये नगाड़ा बजता रहेगा। तो आज भी इस्तेमाल, अब भी इस्तेमाल में ही है। हाँ, और ये कितना पुराना होगा महाराज जी? ये पुराना है, करीबन 20 साल का है। 21 साल का, 20-25 साल का। मेरे आने के बाद में ही हुआ सर। अच्छा, पहले कुछ भी नहीं था। तो ये भी पुराना है महाराज जी? ये भी पुराना है, ये तो बहुत पुराना है, ये पुराना। इसकी मरम्मत करा के इसको रखा है, ये औरंगजेब के जमाने से ये कुंड में से प्राप्ति हुई ये मूर्तियों की। ये है गणेश जी, ये भी प्राचीन विग्रह है भगवान का, वही आपको प्राचीन शिलाओं के प्राचीन मूर्तियों के दर्शन होते हैं। हमने आपको दर्शन कराए, और एक बात यहाँ की हमें महाराज जी ने जो बताई है, यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तप किया है और तप करके समाधि लगाई है। अगर आप आज भी इस पर्वत पे खुदाई करेंगे तो यहाँ पे नीचे से राख निकलती है जो कि ऋषि मुनियों की है, जो यहाँ पे समाधि लगा के बैठ गए थे,
आज भी यहाँ से कोयले निकलते हैं, खुदाई में राख निकलती है। तो ये जो पर्वत है ये ऊंची अटारी पर है और सिद्ध पर्वत है, यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तप किया है। इसके बारे में मैं कल्पना क्या करूँ, मैं आपको किस तरीके से बताऊँ कि ये बहुत ही दिव्य दर्शन है जो यहाँ से आप कर रहे हैं इस ऊंची अटारी से। नीचे है कुंड, चारों तरफ कुंड है इस मंदिर के, बीच में मंदिर मौजूद है। ये मंदिर इतनी ऊंचाई पे है और अब मैं आपको ऊंचाई से थोड़ा कोशिश करता हूँ दिखाने। यहाँ के दर्शन जो कि हमने आपको आज इस वीडियो में कराए, आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। मैं इस टाइम पर गर्भगृह में खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं भगवान का वही रूप है जिसके आपने दर्शन किए। बहुत आनंद आया यहाँ पे दर्शन करके, हालांकि ये बहुत ऊंची अटारी पे है, बहुत यू नो ऊँचे उस पर्वत पे दर्शन होते हैं यहाँ पे आपको, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आएँ। अगर आपको ये दर्शन अच्छे लगे हैं, यहाँ की कथा अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी तक यहाँ के मैसेज जाए और यहाँ पे सब दर्शन के लिए आएँ। हम यहाँ पे कोशिश ज़रूर करेंगे यहाँ की लोकेशन आपके साथ में शेयर करें जिससे आप यहाँ पे सरलतापूर्वक आ सकें। भविष्य में अगर आपको कभी भी समय मिले तो आप यहाँ पे दर्शन करने आएँ और आनंद लीजिए। अभी हम आपको कुंड की तरफ भी लेके चलेंगे और कुंड के भी दर्शन कराएंगे और वहाँ के बारे में जैसे महाराज जी ने बताया कि वहाँ पर भी अगर आज भी कोई स्नान करता है, अगर किसी के बालक या बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको भी यहाँ पे आनंद संतान की प्राप्ति। कितने बार करना पड़ता है स्नान महाराज जी? एक बार करना पड़ता है, नियम धारण करने पड़ते हैं। पूजा करा के उनकी गोद भरी जाती है और नियम धारण करने पड़ते हैं। तो जैसे कि महाराज जी ने बताया कि आपको जो क्रिया होनी है, क्रिया होती है, उसके अनुसार आपको वो नियम धारण करना पड़ता है और उसी क्रिया के अनुसार, उसी नियम के अनुसार आपको उसका लाभ भी मिलता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आएँ और कुंड में आप स्नान भी करें अगर आपकी कोई भी ऐसी यू नो इच्छा है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी दर्शन करके हमें ज़रूर बताना। अगर यहाँ के दर्शन करके आपको अच्छा लगा है, यहाँ पे दर्शन करके आपको आनंद आया है, मुझे यू नो इस मंदिर को देख के कहाँ की याद आई है, हमने बहुत पहले मान मंदिर के दर्शन किए थे और मान मंदिर में यानी कि जब ऊंचे पर्वत पे हमें जाके दर्शन, अंदर मंदिर में जो दर्शन होते हैं वो इसी प्रकार होते हैं। मंदिर के अंदर प्रांगण में यानी कि अंदर आप गर्भगृह के पास जाते हो, समीप से दर्शन करते हो और वहीं की यू नो पूरी आभास पूरा याद मुझे आ गया। और लेकिन मुझे ये कहूँगा बहुत आनंद आया यहाँ पे दर्शन करके। अगर आपको यहाँ पे दर्शन करके अच्छा लगा है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, यहाँ की लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको यहाँ पे ज़रूर आइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मैं ये कहूँगा आनंदपूर्वक दर्शन हुए, जिस प्रकार मैं कहता ही आया हूँ कि कहीं पर भी हमें ठाकुर जी दर्शन के लिए बुलाते हैं बहुत आनंद आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ के दर्शन करके अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित ब्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आप सभी को शांतनु जी के यहाँ से, बिहारी जी के यहाँ से राधे राधे। यही वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हम आए थे ऊपर। काफ़ी बंदर भी यहाँ पे रहते हैं जो कि आपको कभी भविष्य में आए तो आप सावधान रहिएगा कि यहाँ पे यू नो प्रसाद ले जाते हैं। अभी भी एक भक्त का प्रसाद ले गए, उनकी मिश्री वगैरह वहाँ पे गिरी हुई है और जो यहाँ पे जूते चप्पल भक्त आते हैं तो वो इस जाल के अंदर, इसके अंदर रखते हैं सेफली ताकि बंदर ना लेके जाए। मैं लेके चलता हूँ आपको नीचे की ओर।